महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का आज सुबह 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर महाराष्ट्र के नेता समेत देश भर के नेताओं ने शोक जताया। निधन के बाद मनोहर जोशी को मुंबई में उनके आवास पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर शिवाजी पार्क शमशान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व सीएम और शिवसेना युवती नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और संजय राउत जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं उनके निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राजनीति में मनोहर जोशी के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। उनकी अपनी एक शैली थी, सभी को हंसते हंसाते वो जिस प्रकार से अपने भाषणों से व्यंग कसते थे, तो जिसको संदेश मिलना चाहिए उसको ठीक से वो मिलता था। मनोहर जोशी सर महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे राजनेता थे जिनके पार्टी से भी परे सभी लोगों से संबंध थे। उनकी अपनी एक शैली थी, सभी को हंसते हंसाते वो जिस प्रकार से अपने भाषणों में व्यंग कसते थे, तो जिसको संदेशा मिलना चाहिए उसको ठीक से वो मिलता था। इस साल 1995 से साल 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था। महाराष्ट्र में 40 साल से ज्यादा समय तक वो शिवसेना से जुड़े रहे। वहीं शिवसेना से महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले पहले नेता भी थे मनोहर जोशी। इसके अलावा वह लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। परिजनों ने बताया कि मनोहर जोशी को बुधवार को हार्ट अटैक आया था, तब से वो आईसीयू में भर्ती थे, जिसके बाद शुक्रवार 23 जनवरी के सुबह उनके निधन की खबर आई। उन्होंने मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद दोपहर में मनोहर जोशी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।